ए मोटरसाइकिलिस्ट इज ट्रेवलिंग ऑन ए कर्व्ड ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स इज 0.5 द स्पीड अवॉइडिंग स्किडिंग विल बी। तो देखिए यहाँ पर एक मोटरसाइकिल है जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है और उसकी रेडियस 500 मीटर दी है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया है। तो स्पीड फाइंड करनी है जिससे बाइक स्किड ना करे, यानी जो मोटरसाइकिल है वो स्किड ना करे। तो जो वैल्यू गिवेन है लिखेंगे इसमें, गिवेन रेडियस आर इज इक्वल टू, सॉरी 500 मीटर है, ये रेडियस आर की वैल्यू ये 500 मीटर है, और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 0.5 है, और इसकी वेलोसिटी फाइंड करना है जिससे ये बाइक स्किड ना करे। तो देखिए ये हम सर्कुलर ट्रैक ऐसे रफली ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसकी रेडियस आर होगी और यहाँ पर बाइक की वेलोसिटी वी। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो FS लिमिटिंग है ये टुवर्ड्स सेंटर लगे, या FS लिमिटिंग टुवर्ड्स सेंटर लगे तो ये उस कंडीशन में ये इस पे स्किड नहीं करेगी। तो FS लिमिटिंग, ये FS लिमिटिंग ये सेंटीपिटल फोर्स का वर्क करेगा, ये MV स्क्वायर अपॉन R के इक्वल हो जाएगा। FS लिमिटिंग की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, एन यहाँ पर MG के इक्वल हो जाएगा, ये MV स्क्वायर अपॉन R, M से M कैंसिल हो जाएगा। म्यू की वैल्यू देखिए गिवेन है 0.5, G की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, V हमको फाइंड करना है और अपॉन R की वैल्यू ये 500 है, ये 10 इसको मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 500। तो यहाँ से हम V की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये V इज इक्वल टू आ जाएगा 5 × 5, ये हो जाएगा 25 का रूट 5 और 100 का रूट हो जाएगा 10, तो 5 × 10 हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आएगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।